पूरी शर्ट खराब कर दी। मुझे मीटिंग में जाना है। तुमको नजर नहीं आता कि हल्दी हो गई है? ए, अंकल, लड़की सॉरी बोल रही है ना। अरे सॉरी बोलने से ये साफ हो जाएगा क्या? वो तो अंधी बोलने से भी साफ नहीं होगा। किसी कुत्ते को लात मार दो फिर उसको सॉरी बोल दो। वाह, आपका मतलब कौन सी ब्रीड सर? What do you mean? मैं कुत्ता हूँ? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मुहावरा है ये। तुम्हारे बाप ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया तुमको? लेकिन आपकी माँ ने आपको कपड़े धोना जरूर सिखाया होगा। नहीं, नहीं। अरे छोड़ ना यार, ओल्ड जनरेशन का है। अच्छा, और तुम्हारा जनरेशन ये बंच ऑफ फूल, ये बंदरिया, अंग्रेजों के जमाने की बंदरिया की तरह हंस रही है। और ये औरत है कि मर्द पता ही नहीं चलता। और ये मेड इन चाइना 2 दिन में खराब हो जाएगा। इसने गिटार को पकड़ा के गिटार ने इसको पकड़ा, समझ में नहीं आता। और तुम बकरे की दाढ़ी लगा कर घूम रहे हो। तुम लोगों को जंगली लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहिए। And now, perform for you, क्योंकि आप किसी जंगली से कम नहीं लग रहे हैं। What do you mean? मैं जंगली हूँ? Yes. Hi guys. किसके लिए चाय हो रही है? ये देखो। Daddy. मम्मी. वीर, तुमने क्या किया? He's my father. डैडी, मुझे बड़ा अफसोस है। I mean, मुझे बड़ा अफसोस है। I am so sorry, please. Shut up. तुम्हारी इतनी घटिया चॉइस मुझे पता नहीं था। आप मुझे इंसल्ट कर रहे हैं? तो सिर्फ इंसल्ट ही मत कीजिए, गाली भी दीजिए, मारिए, लेकिन माफ कर दीजिए। सर, वो तो पहले ही से अटेंशन है। आप जानते हैं। कह दियो, कान खोल कर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा हजूर, कबूतर निकालो, अच्छा जाने दो। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। चलो, शिट, बाप बाहर ही खड़ा है। बाय जानवी। ओके बाय जानवी। एक मिनट, इडियट्स, कोई मैनर्स है, कोई एटिकेट्स है? जानवी, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, प्लीज गेट आउट। डैडी, ओह थैंक गॉड यू आर सेफ। इंस्पेक्टर वालिया का फोन आया तो मालूम पड़ा तुम्हारे वहाँ कुछ सीरियस फाइट वाइट हो गई थी। हाँ हुई थी ना, लेकिन ये थे वहाँ पे ऐसी धुलाई की इन्होंने कि 1 महीने तक हॉस्पिटल से निकलने का नाम नहीं लेंगे। एंड द क्रेडिट गोज टू मिस्टर धर्म, वीर के बड़े भैया। ओह द फेमस मिस्टर धर्म कपूर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बेटी को सही सलामत पहुंचा दिया। आप मिल गए जैसे इस अंधे को आंखें मिल गई। आपकी आंखों में मोतिया है क्या? नहीं, मैं
मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, एक मुहावरा। यू नो व्हाट डैडी, क्या डांस करते हैं, क्या ड्रम बजाए इन्होंने, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। एनीवेज मैं चेंज करने जाती हूँ, बाय डैडी, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, एक मिनट। आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, लेकिन आपकी बेटी जिससे शादी करने जा रही है, वो आपके दामाद बनने के लायक नहीं है। ये आप कह रहे हैं? क्या हो रहा है यार? हो ना हो, इनके नाम पे तुम्हारा बिल फट रहा है। लेकिन मेरी बेटी का तो कहना है कि वो एक नहायत शरीफ, अपराइट और डाउन टू अर्थ है। यू आर राइट, डाउन टू अर्थ, हद से भी ज्यादा गिरा हुआ इंसान है वो। आपकी बेटी का प्रेम ठीक नहीं है। मेरी बेटी का प्रेम ठीक नहीं है? लेकिन क्या करें साहब, लव इज ब्लाइंड। एक्चुअली आपका नाम सुन के, कपूर्स के खानदान का कनेक्शन समझ के मैंने ये सोचा। आई डोंट ब्लेम यू। देखिए, अगर गधे के पैरों में घोड़े की नाल लगा देना तो गधा घोड़ा नहीं हो जाता। अगर मेरा बस चले ना तो गालियां देकर निकाल दूं अपने घर से इसको। मेरा अपना थोड़ी है। आपके जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी मैंने देखा नहीं। ऐसा नेक दिल इंसान आजकल कहां मिलता है सर? वैसे सर, बाय द वे, आपकी शादी? बैचलर। ओ, मस्कुलर, पॉपुलर, स्पेक्टेकुलर एंड अ बैचलर। एंड आई कैन आल्सो डांस साला। ये दोनों गले क्यों मिल रहे हैं? रिश्ता पक्का हो गया, मुबारक हो। क्या बात, क्या कर रही बात हो? कर रही हो विद्या, 100% कपूर खानदान की बहू बनेगी। क्या बात, क्या बात कर रही, रही हो? लेकिन yes. छोटे की नहीं, बड़े की। क्या बात क्या कर बात रही हो? आप आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? आप होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? क्या कहा, हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे हैं। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग?
मैं पिस्तौल यहाँ है, जरा भी हिलने की कोशिश की तो चले गए। चलो अपने दफ्तर। चलू कैसे? तुम लोगों ने हिलने को मना किया है। पहला ऑर्डर कैंसिल। चार अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ। अटेंशन, लेफ्ट हैंड, बदले पीक पार। दरवाजा खुलवाओ। जी सर। दरवाजा खोलो। यस सर। ये रही चाबी, ये रहा पिस्तौल। कि उस दिन रात को मैंने आपको सब सच बता दिया, लेकिन अपने दामाद को मारने के चक्कर में हम सबको उड़ा देते। अरे कैसे उड़ा देते? मैं गोली मारूंगा क्या? मैं तो खुद गोलियां खा खा के जी रहा हूं। एक मुर्दे क्या किसी की जान लेगा जी? ए मुर्दे, आर यू घोस्ट? अरे हट, घोस्ट की बच्ची। मिसाल दे रहा हूं, एग्जांपल। मैं तो यहां इसलिए आया क्योंकि मेरी बेटी कब से फोन नहीं उठा रही है। अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। मुझे लगा वीर विद्या को भगाकर जबरदस्ती शादी कर रहा है। ए हां, क्या बात कर रहे हैं आप? वीर और विद्या की शादी कब की हो चुकी है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विद्या। तू ऐसा नहीं कर सकती विद्या। अरे कहिए विद्या, ये है ये। अरे मैं इसका बाप हूँ विद्या, ये है मेरी बेटी। धर्म जी, मैं ही विद्या हूँ। हाँ, यही है विद्या, वीर की गर्लफ्रेंड। व्हाट? तुम एक शादीशुदा की गर्लफ्रेंड हो? नो 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 नो, वीर इज नॉट शादीशुदा। देन हु द हेल इज शादीशुदा? मिस्टर एंड मिसेस प्रेम चोपड़ा। देखा देखा, यह विद्या 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 और यह जानवी जानवी जानवी, और आप मुझे छुट्टियां छुट्टियां मनाने भेज रहे थे, समझा? छुट्टियां। अरे डॉक्टर जस्ट चिल। अबे चिल के बच्चे।